फिलहाल करें। जी मेरा नाम दर्शन सिंह है, मैं कोटली पाई का रहने वाला हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि कोटली पाई के अंदर आर्मी ने जो रास्ते में गेट लगा दिए हैं और रास्ता बंद किया जाता है, उस विषय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त की पूरे उधमपुरवासियों को, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त मनाया, लेकिन वाई दे कोटली गांव ऐसा था कि जो 15 अगस्त अपनी धूमधाम से नहीं मना सका। आज इस विषय में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कल जो हमारे आर्मी ने जो रास्ते हमारा रास्ता बंद किया है, जो गेट लगाए हैं, उन्होंने वो टोटली गेट बंद कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे सुबह परेड के लिए स्कूल गए थे वो बाहर रह गए, बारिश के अंदर भीग गए। जो लोग अंदर, जो टीचर स्कूल में आई थी झंडा चढ़ाने के लिए, वो अंदर फंस गई। उसके बाद भी हमने कब आर्मी से काफ़ी रिक्वेस्ट की तो हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की और रास्ता नहीं खोला गया। हम मीडिया के माध्यम से सीनियर अफसर को ये बता देना चाहते हैं कि सर, जब आपसे 1.5-2 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी, आपने हमसे कमिटमेंट हुई थी आपकी कि आज के बाद ये रास्ता कभी बंद नहीं होगा, लेकिन किसके ऑर्डर से? जब हम इनसे ऑर्डर काफ़ी मांगते, ऑर्डर किसी का होता नहीं है। जब हमने इनके कमांडिंग अफसर से बात की तो वो कहते मुझे पता नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं, हम जनरल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आर्मी कमांडर से रिक्वेस्ट करते हैं, सब एरिया GOC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये किसके, जब आप लोगों का देश नहीं है, किसके आदेश से हुआ? अगर कोई अपनी मनमर्जी से कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कल ऐसा माहौल बनाया गया था कि आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की जाए। आर्मी ने कल खुद कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था, रास्ते बंद किए, पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हुई थी, रास्ता बंद किया गया, ऐसा माहौल बनाया था कि यहाँ पर आर्मी के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन हम लोग सब आर्मी के साथ हैं, आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े थे और खड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों में इतना पेशेंस था कि हमने आर्मी के खिलाफ ना कोई बात की, ना ही आगे के लिए हम करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से आर्मी के सीनियर अफसर तक ये मैसेज देना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। अगर आर्मी का कोई सिक्योरिटी का मसला कोई मसला है तो हमने प्रपोजल दिया है कि 700 मीटर जो रोड है हमें विक्रम ब्रिज से दी जाए। ना हमें रोड दे रहे हैं, ना हमें रास्ता दे रहे हैं, बंदोबस्त रास्ते पर इन्होंने गेट लगा दिए हैं। किस कानून के तहत इन्होंने गेट लगा दिया और हमें नाजायज क्यों तंग किया जा रहा है? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, DC मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द हमारा हल होना चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर, 2 महीने पहले हमने वहाँ पर रोड ब्लॉक किया था, 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मसला हल करे। हम आर्मी के सीनियर अफसर से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको हम लिखित में भी देंगे कि हमारा मसला हल किया जाए। अगर नहीं होता है तो September 1st के अंदर जो है चिनार के पास, जहाँ से आर्मी कमांडर साहब का गेट है, वहाँ पर हम चक्का जाम करेंगे। हम ठीक 15 या 17 दिन आज से दे रहे हैं, अगर हमारे साथ बैठ के आर्मी दोबारा फिर बात करती है, पिछली बार जो बात हुई थी उन्होंने हमें रिटर्नमेंट नहीं दिया था,